गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे करें जाप, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो कॉलर भी जुड़े थे वो भी अपनी शादी को लेकर शंका में थे। देखो, ये सब बड़ी क्षुद्र कामनाएं हैं। विवाह हुआ, पैसा कमाना हुआ, नौकरी हुई, घर बनाना हुआ, ये सब बड़ी क्षुद्र कामनाएं हैं। मनुष्य का जीवन बड़े पुण्य के बाद और बड़े धर्म कर्म के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और मनुष्य के शरीर के प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो होता है ईश्वर की प्राप्ति, आवागमन के चक्कर से मुक्ति। जानते हो, 9 महीने तक शिशु को गर्भ में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है वो वही जीव जानता है जो निकलने पर रोने लगता है, और फिर यहाँ आकर के माया मोह में से इस तरह से ग्रसित हो जाता है कि संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता है। बार बार जठर में प्रवेश करना, बार बार मलमूत्र से होकर गुजरना, ये जीव के लिए बड़ा दुखदाई है, और गायत्री इन सब दुखों का अंत करने वाली है। गायत्री सायुज्य को देने वाली, श्रीपद को देने वाली, मोक्ष को देने वाली, और यहाँ तक कि गायत्री जीते जी आपको मोक्ष दे देती है। गायत्री की 7 व्याहृतियाँ हैं, मैंने पहले भी बताया दर्शकों को। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 15 सेकेंड बाई नाक से सांस खींचिए, 60 सेकेंड दोनों नाक को बंद करके सांस रोकिए, और 30 सेकेंड में बाई दाहिनी नाक से सांस को निकालिए, और इसमें 3 बार इस मंत्र को जो मैंने पढ़ा है, मंत्र ओम भू, ओम भू, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। नाभि भर 3 बार विष्णु का ध्यान करके 6 दल नीले कमल के फूल पर विष्णु भगवान को बैठाइए नाभि पर, और 16 दल कमल पर, भूरे रंग के कमल पर ब्रह्मा को बैठाइए अपने हृदय में, और 2 दल सफ़ेद पंखुड़ियों वाला कमल, इस पे बैठाइए शिव को अपने भ्रकुटी पर, और 3 बार नाभि पर ये मंत्र, 3 बार हृदय पर, 3 बार भ्रकुटी पर, 9 व्याहृतियाँ इस मंत्र की करिए। जिस दिन ये 9 व्याहृतियाँ इस मंत्र की आप एक श्वास में पूरा कर लेंगे 1 मिनट 45 सेकंड में, मैं दावे के साथ कहूँगा कि उस दिन ये प्रकृति आपकी गुलाम हो जाएगी। आपके कहने से बादल को पानी बरसना पड़ेगा, और आपके कहने से सूर्य को अपनी गर्मी शांत करनी पड़ेगी, और आपके कहने से प्रकृति को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम सिद्ध हो गया तो किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी मोटी तुच्छ कामनाओं की भी बात अगर नहीं करूँगा तो दर्शक सोचेंगे मेरे मतलब की तो कोई बात बता नहीं रहे हैं, मुझे तो मोक्ष चाहिए नहीं, मेरे तो बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो इसका उपाय तो पंडित जी बता नहीं रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, शादी में अगर बेटे बेटी के देरी हो रही है तो उसमें 2 बात हो सकती है। एक तो बेटा बेटी योग्य नहीं होंगे तब नहीं हो रही है शादी, और दूसरी आपके घर में भयंकर पितर दोष होगा जिसके कारण शुभ कार्य रुके हुए हैं। ये दोनों बातों में से कोई एक बात तो जरूर होगी जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावट दूर हो जाएगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ह्रीम कहने का आशय यह है कि भुवनेश्वरी का मंत्र तो जब 32 लाख जप किया जाता है तब उसकी सिद्धि मिलती है,
भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में एक महाविद्या है और इनके मंत्र का 32 लाख जप करने से भुवनेश्वरी की सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में नित्य प्रातःकाल गायत्री मंत्र का एक माला भी कोई जप करता है और हवन करता है तो आपके सारे पितर दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में शुभ कार्य होने लगेंगे, संतान पैदा होने लगेंगे, विवाह होने लगेगा, घर में खुशियां आने लगेंगी और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।